खतीब है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं 29 इयर्स ओल्ड हूँ और पिछले 5 सालों से मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में यूट्यूब के थ्रू कई रिसर्च करी, कई क्लिनिक्स के और काफ़ी क्लिनिक्स डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे मैंने डिवाइन को चूज़ करा। डॉक्टर अमित गुप्ता से मैंने अपनी सर्जरी प्लान करी है और आज मेरी सर्जरी है। और सर्जरी के बाद भी मैं अपने रिव्यूज वगैरह, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। डॉक्टर अमित को मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस हैं, इन्होंने काफ़ी हेयर ट्रांसप्लांट कर रखा और इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, रिव्यूज भी अच्छे हैं। हेयर फॉल की वजह से प्रॉब्लम यही होती थी बस के कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता था उन्हें। सर्जरी के बाद मैं अपने रिव्यूज शेयर करता रहूंगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज जो हम पहला हेयर ट्रांसप्लांट अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसकी प्लानिंग डिस्कशन करते हैं आपके साथ। किस तरह डिसाइड करते हैं, कौन सी टेक्निक, कितने बाल, कितनी कवरेज, किस तरह की डेंसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक्स। जो बॉल्डनेस का सेगमेंट है हमारा, ये जो सेगमेंट है ये बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 65,000 बाल इनके कम है, 65,000 बालों से ज्यादा का लॉस हो चुका है इनको। सो किसी भी ट्रांसप्लांट में दुनिया में कहीं पे, अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, पूरा का पूरा एरिया कोई भर नहीं सकता है क्योंकि 60 से 65,000 बाल कभी किसी के पास होते नहीं है। सेकेंडली जो परमानेंट डोनर जोन होता है उस पे मैक्सिमम 30 से 35,000 बाल होते हैं, उसमें से भी हम मैक्सिमम अगर अच्छी डेंसिटी होती है 16-17,000 बाल से ज्यादा नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पेशेंट की बहुत अच्छी डेंसिटी नहीं है तो इनकी ओवरऑल कैपेसिटी ओवर 2 सेशंस या 3 सेशंस कभी भी होगा वो करीब करीब 13-14,000 बाल होगी, उससे ज्यादा बाल हम लोग निकाल नहीं सकते। देयरफॉर इट इज वेरी क्लियर कि कहीं एक जगह हम लोग कह रहे हैं कि 60,000 बालों की कमी और हम कह रहे हैं कि हमारा अवेलेबिलिटी 13-14,000 बालों की है, तो किसी भी हालत में फुल हेवी डेंसिटी जो कभी बचपन में रही होगी वो क्रिएट नहीं हो सकती। हाउएवर हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत नॉर्मल लुक देता है, स्पेशली फ्रंटल एरिया में एक अच्छी डेंसिटी दे देता है, बालों को थोड़ा सा अगर हम लंबा करें तो एक अच्छा फ्लो बन जाता है, कोम पैटर्न ठीक से करें। उसमें भी हमारे पास कई बार बड़े समझदार लोग आ जाते हैं जो कि ये दिखाने के लिए कि डेंसिटी कम है बालों में तेल लगा के ऊपर की तरफ कोम करके हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं, तो मैं सिर्फ हंस लेता हूं उनके ऊपर क्योंकि आप प्रूफ क्या कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि हर तीसरे बाल की जगह एक बाल लग रहा है, तो प्रूफ मत कीजिए मुझे ऑलरेडी पता है। ये चीजें आपको समझनी है कि हेयर ट्रांसप्लांट में मैक्सिमम चाहे कोई दुनिया में कुछ भी कहे 40 से 45% डेंसिटी से ज्यादा क्रिएट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और वो फ्रंटल एरियाज में क्रिएट होती है। जैसे हम पीछे जाते हैं डेंसिटी फॉल्स टू 25-30%। रीजन, एरियाज बहुत बड़े होते हैं उतने बाल हमारे पास होते नहीं। वहीं अगर कोई सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो जितना मन चाहे बाल लगा सकते हैं क्योंकि वो हमें बाहर से खरीद के बाल लगाने, अपने नेचुरल बालों की लिमिटेशन होती है। ये कम पड़ जाए बियर्ड से ले सकते हैं, बियर्ड के बाल अच्छे होते हैं, वो फ्यूचर की बात है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही पे पेशेंट डॉक्टर के बीच में कंफ्यूजन आता है कि मेरी डेंसिटी उतनी क्यों नहीं है, हमने इंटरनेट पे देखा तो उनके तो बहुत अच्छी डेंसिटी आ गई। तो भाई साहब आपके बाल अगर पतले हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उस पेशेंट के बाल कर्ली थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर एरियाज छोटा है और आपका बड़ा और आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट्स को, कंफ्यूजन्स को, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन, आप कभी भी वो नॉर्मल डेंसिटी अचीव नहीं कर सकते, लुक नेचुरल आएगी लेकिन अगर हम चाहेंगे कि गीले बालों में तेल लगा के बिल्कुल नॉर्मल लुक आ जाए पॉसिबल नहीं है। मेरे बालों में ही मैं गीले करके रखता हूं तो मुझे डेंसिटी कम दिखती है, तो ये तो कुदरतन है, ट्रांसप्लांट में इसकी हाफ से भी कम होती है, विच इज नॉर्मल। आप ऑफिस में बैठे अपने काम कर रहे हैं बहुत नॉर्मल दिखता है। सेकेंडली याद रखिए आपको बालों को मैनेज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने जो चाहे उठे जैसे भी स्टाइल कर लिया और बिल्कुल नॉर्मल दिखना चाहिए क्योंकि बाल कम है, तो आपको एक तरह से उनको मैनेज करना पड़ता है तब जाके एक नॉर्मल लुक आती है। आप जो बहुत सारे इंटरनेट वीडियोस देखते हैं जिसमें ऐसे इंटरव्यूज हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, उनमें से 50% से ज्यादा पेशेंट्स को हेयर फाइबर्स लगाया जाता है। हेयर फाइबर करके तो ऐसा लगेगा कि गंजा आदमी अनुपम खेर भी आमिर खान नजर आता है। तो फर्स्ट, सेकेंडली पूरा उनको सेट करके ब्लो ड्राई करके बालों को प्रेजेंट किया जाता है। सो आप चाहेंगे कि हम बस उठे और बालों को गीला कर करा के कैसे बना लिए उसकी लुक हो जाए, वो नहीं हो सकता। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि इंटरनेट की हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। पोस्ट ट्रांसप्लांट 1 साल के बाद जब पूरा रिजल्ट आ चुका होता है तब बालों को जब आप सुबह उठ के बनाएंगे तो आप उनको इंटेलिजेंटली एक साइड में उनको करेंगे कि एक के ऊपर एक गिरे तब जाके लुक आते। याद रखिए हमको एक लुक बनानी है,
हम नेचुरल जो डेंसिटी थी वो क्रिएट नहीं कर सकते, इस वजह से आपको एक लुक को क्रिएट करना। आप समझ रहे हैं बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये लुक क्रिएट करनी पड़ती है, नेचुरली नहीं आती है। सो उस वजह से थोड़ा सा आपको 10-15 सेकंड अपने बालों को एक्स्ट्रा देना पड़ता है आफ्टर अ ट्रांसप्लांट। नाउ लेट अस कम हियर, आगे आइए, आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम लोग प्लान करते हैं। एरिया बहुत बड़ा है, इसका मतलब हमको कॉम्बिनेशन हेयर ट्रांसप्लांट करना है। अगर खाली किसी ने पूरा का पूरा FUE कर दिया तो दो प्रॉब्लम्स, वन सारा डोनर एरिया खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा, बिकॉज पूरे सर पे से अगर हम FUE करते जाएंगे डेंसिटी तो खत्म, बिल्कुल पीछे से पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये हर वो पेशेंट जानता है जिसने FUE बहुत एक्सटेंसिव किया हुआ है, उसको पता है कि पीछे तो मेरा खाली हो चुका है, वहीं FUD-FUE कॉम्बिनेशन में ऑलमोस्ट पता ही नहीं चलता। सेकेंड प्रॉब्लम, ये सेमी परमानेंट ज़ोन्स है ऊपर। FUE वाले जो करते हैं मैसिव ट्रांसप्लांट्स, ये इन सब जगह से भी बाल ले लेते हैं जो कि सेमी परमानेंट ज़ोन्स हैं। इसका मतलब 4-5 साल में वो बाल गिर जाएंगे। सो याद रखिए कि अगर आप एक परमानेंट लॉन्गिविटी वाला रिजल्ट चाहते हैं, लॉन्गिविटी वाला रिजल्ट, तो आपको परमानेंट जोन में ही रह के करना है, जो कि खाली FUE से कभी भी नहीं हो सकता। इट ऑलवेज हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ FUT प्लस FUE। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से मैं कंप्लीट FUE नहीं करता हूं। इनफैक्ट कभी भी एक सेशन में हम 2500 ग्राफ्ट या 5500 बाल से ज्यादा करना ही नहीं चाहते। कई बार पेशेंट्स फोर्स करते तो हम मना कर देते हैं। रीजन, मुझे आपके रिजल्ट से मतलब है, मुझे ट्रांसप्लांट करने की फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है, मुझे चाहिए कि आपको रिजल्ट परमानेंट भी रहे और आपको जो ट्रांसप्लांट जितने हम बाल लगा रहे हैं वो सारे इफेक्टिवली ग्रो भी करते जाना। हेयरलाइन किस तरह बनाते हैं, अगर हम फेस को देखें, शीशे में फेस को दिखाइए सीधा बिल्कुल, तो फेस ट्राइंगुलर है। अगर हम देखें बिल्कुल कोन की शेप में हमारा फेस है, तो ऐसे में हेयरलाइन भी थोड़ी सी ट्राइंगुलर होती है। अगर इस फेशियल स्ट्रक्चर में मैं गोल हेयरलाइन बना दूंगा तो बहुत खराब लगेगी। सेकेंडली, मुझे लगता है आपका थोड़ा सा चौड़ा माथा रहा होगा पहले, बहुत ज्यादा नीचे यहां कहीं हेयरलाइन तो स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा सा करीब यहां पे स्टार्ट हुई होगी। सो जो ट्राइंगल का पॉइंट है वो करीब करीब 8-8.5 सेंटीमीटर पे हम लोग उसको मार्क करेंगे, एंड एक वी लुक हमको क्रिएट करनी है। दैट इज बिकॉज अगर फेस को देखें तो वी लुक है इनकी, चिन एक वी है, फेस ऐसे शार्प कट आ रहा है। तो नेचर ने इस तरह बनाया है कि जिस तरह से फेशियल स्ट्रक्चर है उसी तरह से जनरली हेयरलाइन होती है। अगर आप आज के बाद लोगों को देखें, किसी का चिन अगर फ्लैट है, फेस स्क्वायर है, उनकी हेयरलाइन मोर स्क्वायरिश होती है, जनरली एक्सेप्शन होते हैं। किसी का फेस गोल है तो जनरली एक यू पैटर्न होता है हेयरलाइन का, किसी का फेस ट्राइंगुलर है तो जनरली एक एम पैटर्न बन जाता है। सो ये कुछ वेरिएशंस होती हैं, ऑफ कोर्स हर पेशेंट में नहीं होती, बट एक जनरल पैटर्न अगर मैं कहूं तो ये फॉलो होता है। सो हम वही लेके चलेंगे, एक वी पैटर्न बनाने की कोशिश रहेगी। मेरा जो पैटर्न हम लोग बनाते हैं ट्रांसप्लांट को, वो हमेशा जिगजैग करते हुए बनाते हैं। सो इस तरह का एक वी पैटर्न हम लोग क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है आपकी हेयरलाइन कहीं यहीं रही होगी किसी टाइम पे। सो ये बहुत आइडियल पैटर्न है। अब नेक्स्ट प्लानिंग स्टेज में हमारा डेंसिटी क्रिएशन, एंड डेंसिटी के साथ साथ ही क्या कवरेज होगी। ये फ्रंट का सेगमेंट है जहां पे नॉर्मल लाइफ में 15,000-18,000 बाल होते हैं, और मैं इस जोन में करीब करीब 6,500 बाल लगाऊंगा, बिकॉज ये फ्रंट का सेगमेंट है, ये ही है जो ट्रांसप्लांट है। मैं कुछ भी कर दूं अगर ये ठीक रिजल्ट नहीं आएगा तो सब फेल है, और यहां पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, और यहां पे चाहे 10% कम भी आ जाए पेशेंट कभी कंप्लेन नहीं करते। रीजन बीइंग फ्रंट से उनकी ये लुक है, जहां तक सामने से दिख रहा है वो एरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो बाकी मुझे करीब करीब 4,000 बाल लगाने, वो मैं इतने सेगमेंट में लगाऊंगा। काफी मेजर सेगमेंट हमारा कवर हो जाएगा, थोड़ा सा बचता है उसको बालों को लंबा करके हम लोग कवर कर सकते हैं, या कभी फ्यूचर में एक छोटा सा सेकंड ट्रांसप्लांट करके उसको भी मैनेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा, ऐसे टर्न कर जाएं, बालों की ट्रिमिंग का। सो FUT के लिए पहले मैं एरिया मार्क आउट करूंगा, सर झुका लीजिए। सो FUT के लिए थोड़े से बाल लंबे रखते हैं, बिल्कुल FUE की तरह बहुत छोटे नहीं करते हैं। सो हमारा टारगेट होगा करीब 6,000 बाल FUT से। FUT का स्टार तो इनफैक्ट नजर ही बहुत कम आता है कंपेयर टू FUE। तो स्ट्रिप की मार्किंग, मैंने लैक्सिटी चेक करी है स्कैल्प में कितनी है, उसके हिसाब से ये एरिया बहुत इजीली बंद हो जाएगा, एंड स्कार भी बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। सो इतना जो मैं जोन मार्क कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है करीब करीब 6,000 बाल FUT से लेने का, बाकी जो है फिर हम लोग FUE से करेंगे। बाकी अब इस सेगमेंट को हम ट्रिम डाउन कर देंगे,
उससे पहले परमानेंट डोनर जोन को मार्क करना है। देखिए ये इनका परमानेंट डोनर जोन है, इसको मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर कभी भी एफयूवी करना ही नहीं है, ये जो जोन है इसके ऊपर एफयूवी करना नहीं है कभी, ना इधर से ना इधर से, इसके बीच में रहेंगे तो ये बाल परमानेंट रहेंगे। मेरी सर्जरी हो गई है, 7 to 8 hours की सर्जरी थी, 10,000 फॉलिकल्स के करीब सर्जरी में लगे हैं। FUT और FUE कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज़ करी है। जैसे मुझे पहले बहुत डर था कि FUT में काफ़ी पेन होगा, लेकिन मुझे बहुत ना के बराबर पेन हुआ। सिर्फ जब एनेस्थीसिया दे रहे थे उस टाइम पर थोड़ा पेन हुआ था, बस उसके बाद कुछ भी पेन नहीं हुआ, पता नहीं चली, पूरी सर्जरी बड़ी आराम से हो गई है। और अब मेरे को हेड वॉश के लिए बुलाया है फोर्थ डे आऊँगा। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट PRP पे आऊँगा एक महीने बाद। मैं अपनी आगे भी अपने रिव्यूज शेयर करता रहूँगा, अपने फीडबैक शेयर करता रहूँगा और अपना प्रोग्रेस दिखाता रहूँगा, अपने जो भी मेरे ग्रोथ है हेयर ग्रोथ में आपको शो करता रहूँगा।